चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। न्यू मार्कर मैंने परचेज कर लिया है तो मज़ा आएगा। फर्स्ट देखिए इसका, 1/18 माइनस 2/9, ठीक है जी, प्लस 5/12। सबसे पहले नीचे जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है जी। देखिए 3 से कर लीजिए, 3 6 18, 3 3 3 4 3 से कर लीजिए, 3 2 3 1 4 4, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता। 2 से करेंगे, 2 1 1 2 ज़ा, दोबारा 2 से करेंगे, 1 1 1, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा कितना होता है 18, 18 2 ज़ा कितना होता है 36, ठीक है। दो ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं 36। अब क्या करेंगे, 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट +5 ब्रैकेट, ठीक है जी, वेरी सिंपल। इसको रब करते हैं। अब देखिए ब्रैकेट को फिल करना है, 18 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार 36 आएगा, 9 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तब जाके 36 आएगा, 12 का पढ़ेंगे हम 3 बार तब जाके 36 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आएगा, माइनस का माइनस, 4 2 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8, प्लस का प्लस, ठीक है, 5 3 ज़ा 15, नीचे कितना है 36 है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले दोनों प्लस के नंबर हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही करना जो सेम होंगे, जैसे माइनस माइनस के पहले सॉल्व कर लो या पहले प्लस प्लस के सॉल्व कर लो। तो 15 प्लस का है, 2 के आगे मतलब कुछ नहीं तो प्लस हो गया, 15 और 2 17, -8 है तो -8 कर देंगे, अपॉन में कितना है 36। अब 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बताइए, हमारे बचेंगे 9, ठीक है, तो 9 अपॉन में 36, ऐसे हो गया। अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको, क्या ये और सॉल्व होगा, क्या इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो डिवाइड कर सकते हो, उसको कर सकते हो, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो इसका आंसर आ गया 1/4। सिंप्लीफाई का मतलब जितना छोटा जितना सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, सेकंड करते हैं पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या है, 11 है माइनस 4 1/4 इस तरीके से है, -3 2/3। देखिए सबसे पहले 11 की जगह 11 लिख, पहले इसको सॉल्व कर, 11 की जगह 11 माइनस 4 4 ज़ा 16 और 1 17, ऐसे ही करते हैं। नीचे क्या आता है, नीचे जो नंबर है वो रहता है माइनस, 3 3 ज़ा 9, 9 2 11, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं नीचे 1 लगाओ। अब देखो मैंने आपको सिखाया था जब हम एलसीएम लेते हैं, अगर नीचे जो एलसीएम ले रहे हैं अगर वो ऐसे नंबर हैं जो सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है, तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो। देखो 1 है, 1 तो भूल जाओ, 1 का तो कुछ करना नहीं है, 4 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 हमारा कितना हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो 11 ब्रैकेट वही करना वापस से, 17 ब्रैकेट -11 ब्रैकेट, ठीक है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 12 बार तब जाके 12 आएगा, 4 का पढ़ेंगे 3 बार और 3 का पढ़ेंगे 4 बार तब जाके 12 आएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 11 से, ठीक है, सो 12 12 2 3 132 132, माइनस 17 को आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21 का 1 2 करिए, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 51। 11 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 44, नीचे कितना है भाई, नीचे 12 है। चलो बताया था पहले प्लस प्लस के सॉल्व कर लिया करो या माइनस माइनस के सॉल्व कर लिया करो, इसमें दोनों माइनस के हैं, सो 51 और 41 दोनों माइनस के हैं, प्लस करेंगे मगर माइनस का साइन आएगा, 4 और 1 5 5 और 4 9, -95, तो 132 -95 अपॉन में 12। अब 132 में से 95 को माइनस कर देंगे, 2 में से नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 12, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, ठीक है जी। यहाँ पे बचा हमारा 2, अब 1 कैरी लिए 12, 12 में से 9 गए 3, ठीक है, तो 37 आ गया। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, 37 अपॉन में 12, ठीक है। क्या ये और आगे सॉल्व हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है, इतना ही रखना है आपको, पॉइंट में आंसर नहीं निकालना, दोनों सेम टेबल में आते होते तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको, कि बुक में जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है इस तरीके से, 3
वन अपॉन में 12। तो देखो 12 थ्री जो 36 और 1 37, 37 अपॉन में 12, आप इतना ही निकाल के आ जाना, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिखो एक ही बात है, आप इतना ही छोड़ के आ जाना। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं। चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है जी, 2 1 बाय 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 1 1 बाय 2। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 9 बाय 4 प्लस 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 1 3 3 बाय 2। जिसके नीचे कुछ नहीं, सुनिए जब एलसीएम लेंगे, 4 और 2 दोनों सेम टेबल में आते हैं। ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा। ठीक है, तो अगर नीचे आपको एलसीएम लेना है, दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो दोनों मतलब ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं बेसिकली, राइट। जैसे 3 और 2 3 3 में आता है, 2 2 में आता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मगर अगर ऐसे नंबर हैं मतलब जो सेम टेबल में आ रहे हैं और पूरे पूरे कट रहे हैं, तो दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम हो जाता है। देखो 4 और 2 2 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर आपको शॉर्टकट में निकालना हो तो 4 आ जाएगा। क्यों? बड़ा नंबर एलसीएम आ जाता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक और दिखाता हूँ आपको, 5 और 15, इसका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। क्यों? 5 और 15 दोनों सेम टेबल में आते हैं, 5 में आते हैं, तो 15 आएगा। 5 और 20, इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 5 और 25, इसका एलसीएम कितना आएगा, 25। बड़ा नंबर आएगा, देखो करके दिखाता हूँ आपको। 5 15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 से करेंगे 1 1, 5 3 ज़ा 15, 5 और 5 1 ज़ा 4 ज़ा 4 से करेंगे 5 4 ज़ा 20, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि दोनों सिर्फ अपने अपने टेबल में आते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 4 का और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा, क्योंकि 4 4 में आता है, 7 7 में आता है। अच्छा 10 और 100 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 10 के टेबल में आते हैं। देखो 10 से करो, 10 और 100, 10 1 ज़ा, ठीक है, और 10 10 ज़ा, फिर दोबारा 10 से करो, 100 आ गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और कुछ नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जी देखो, इसका एलसीएम आएगा हमारा 4। ठीक है, अब 9 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट। 4 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ो कि 4 आ जाए 4 बार, 2 का पढ़ो कि 4 आ जाए 2 बार। सॉल्व करते हैं, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 4। यहाँ करते हैं, अब पहले प्लस वाले नंबर को सॉल्व कर लो। 16 और 9 कितने होते हैं, देखो 16 4 हो गए हमारे 20, 20 और 5 25, तो 16 और 9 होते हैं हमारे 25। ठीक है, माइनस 6 अपॉन में कितना है, 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, 25 में से 5 गए 6 करने हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक, 25 में से 5 गए 20, एक और माइनस कर दो 19। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं 19 बाय 4, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड का फ्रैक्शन में मैंने आपको मतलब पीछे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देखो कैसे निकालते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मैंने बताया था आपको 4 19, 4 4 ज़ा 16, बचा कितना 3। तो ये देखो नीचे तो वही नंबर आता जो था, मतलब ये नंबर यहीं रहता है, मतलब बेसिकली ये वाला नंबर यहाँ आता है, ये वाला नंबर यहाँ पे आता है, और ये वाला नंबर यहाँ पे आता है। 4 4 4 3 ज़ा कितना होता है, 12 है, सॉरी 4 है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ही नंबर आता है, ये नंबर आता है नीचे, ये नंबर आता है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर ऊपर आता है क्योंकि रिमाइंडर को हम प्लस करते हैं। 4 4 ज़ा 16 16 और 3 19, तो आ गया। तो इतना छोड़ के आ जाना, इतना नहीं करना आपको। ठीक है, मन करे तो कर देना यार। ठीक है, चलिए रब करते हैं इसको भी। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, कितना है जी, 4 2 बाय 3 माइनस 3 1 बाय 4 प्लस 2 1 बाय 6। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 ज़ा 12 12 और 2 14 14 बाय 3। याद रखना नीचे वाला नंबर नीचे रहता है, 3 4 ज़ा, देखो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर कभी आप यहाँ से कर रहे हो कभी आप यहाँ से कर रहे हो, 2 6 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12 12 और 1 13। ठीक है, एलसीएम लेंगे 4 का 6 का 3 का। देखो ये और ये नंबर तो एक ही टेबल में आते हैं, किस में आते हैं, एक ही टेबल में आते हैं, मगर ये नहीं आता, तो सबका ले लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूँ थोड़ी सी, 3 1 ज़ा
टू ज़ा थ्री टू ज़ा, ठीक है, सॉरी फोर तो फोर ही रहेगा ना भाई, थ्री वन ज़ा थ्री, फोर तो आता नहीं थ्री के टेबल में, थ्री टू ज़ा सिक्स, अब टू से करेंगे, वन टू वन, अब टू से करेंगे, ठीक है, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, कितना आ गया, बारह आ गया, तो ये लीजिए बारह आ गया। अब कितना है हमारा, चौदह ब्रैकेट माइनस तेरह ब्रैकेट प्लस तेरह ब्रैकेट, ठीक है, अब देखो थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, सिक्स टू ज़ा, ठीक है, फोर्टीन फोर ज़ा कितना होता है, चार चौक सोलह का छः, वन कैरी, चार एक में चार एक पाँच, फिफ्टी सिक्स, ठीक है, माइनस तेरह थर्टीन ज़ा थ्री, थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री, प्लस थर्टी टू ज़ा टू, थ्री ज़ा सिक्स, टू वन ज़ा टू, जिसको टेबल याद नहीं ऐसे कर सकता है, नीचे बारह, छब्बीस और इसको प्लस कर लो, छब्बीस छप्पन को और छब्बीस को, छः छः बारह का दो, वन कैरी, पाँच छः सात आठ, एट्टी सिक्स आ गया, सॉरी एट्टी टू आ गया, कितना आ गया, एट्टी टू, तो लिखेंगे एट्टी टू माइनस थर्टी नाइन अपॉन में बारह, एट्टी टू में से थर्टी नाइन को आपको माइनस करना है, कैरी लेंगे तो हो गया बारह, बारह में से नौ गए तीन, ये सात, सात में से तीन गए चार, फोर्टी थ्री, फोर्टी थ्री बाय ट्वेल्व, चाहो तो इसको आप वैसे लिख देना मिक्स फ्रैक्शन में, यारना छोड़ देना, तो फोर्टी थ्री बाई ट्वेल्व आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये उसमें आता नहीं है, तो ऐसे कर देना या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना, ठीक है, ये कौन सा था हमारा, फिफ्थ का फोर्थ, चलिए ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ये भी पीछे मिक्स फ्रैक्शन सारे आपके मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाले आंसर्स आप, आपको निकालना है मिक्स में निकाल देना, अगर आपको यहाँ तक छोड़ना यहाँ तक छोड़ देना, गलत तो देखो टीचर करेगी नहीं, करेगी तो पूछ रहे मैं किस बात पे गलत करा है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या करोगे इसको, हाँ इसको मिक्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, अगर आप कह रहे हो कि हाँ मिक्स वाला और सिंप्लीफाई है तो एक स्टेप और कर देना, ठीक है, कैसे करना मैंने आपको सिखा दिया, कैसे करोगे देखो इसको बताता हूँ, बारह बाहर फोर्टी थ्री अंदर, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, कितने बचे यहाँ पे, सेवन बचेगा, ठीक है, तो अब देखो ये वाला नंबर आता है नीचे, ये वाला नंबर आता है यहाँ पे, ये वाला नंबर आता है ऊपर, पीछे ये आंसर दिया हो, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, चलिए।